इस बार बुंदेलखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को शून्य कर देगी। बुंदेलखंड से भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद हो जाएगा। यहां जिस तरीके के संकट पैदा किया है किसानों के सामने, नौजवानों के सामने, व्यापारियों के सामने, और हर वर्ग के लोग दुखी हुए हैं। इतनी परेशानी, इतना दुख, संकट कभी नहीं आया होगा जनता पर जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया है। याद कीजिए वो दिन जिस समय लॉकडाउन लगाया गया था, लोग पैदल पैदल अपने घर पहुंचे थे। ये वो सीमा है जहां पर मजदूर भाइयों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। कई दिनों तक उन्हें ऐसे ही बिना खाए, बिना पिए, बिना पानी के इंतजाम, बिना किसी इंतजाम के वो ऐसे ही पड़े रहे बॉर्डर पर। और मजबूरी में उनके गुस्से को जब नहीं कंट्रोल कर पाई तो उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ करके अपने घर का रास्ता तय करना शुरू कर दिया। उस बेबसी में लोग पहुंचे हैं। इसी तरह ललितपुर बॉर्डर में जो दूसरे प्रदेशों में हमारे मजदूर भाई काम करते थे, एक एक हफ्ता बिना नहाए एक जगह पड़े रहे, भूखे प्यासे पड़े रहे। सरकार ने कोई मदद नहीं की। जिस समय सरकार को मदद करनी चाहिए थी उस समय सरकार ने मजदूरों को, गरीबों को अनाज छोड़ दिया। वो खबर जो सबसे पहले मध्य प्रदेश से आई थी कि एक गर्भवती महिला चलते चलते अपने पहुंची थी गांव, लेकिन उसे अस्पताल मिल गया। वहां पर गांव वाले और घर परिवार वाले अस्पताल ले गए, डिलीवरी हुई वहां। लेकिन उत्तर प्रदेश में ललितपुर बॉर्डर पे जो दूर से चल करके मां आई थी, उसकी कोई मदद सरकार ने नहीं की। गर्भवती मां बेटी को जन्म दिया, वो अपने पैदल उसके बाद 3-4 घंटे इंतजार और आराम करने के बाद वो घर पैदल होकर के गई। क्या कोई सोच सकता है कि जो लोग दावा करते हैं सरकार चलाने का, उन्होंने गर्भवती मां को ऐसे ही छोड़ दिया हो? घर भी पहुंची वो पैदल चल करके। क्या सरकार मदद नहीं कर सकती थी? इसी तरह बहुत सारे मजदूर जो घर नहीं पहुंच पाए, पहले ही जान चली गई उनकी। अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी सरकार ने मदद की थी। उन परिवारों को 1-1 लाख रुपए मदद करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। परिवार वालों का दुख परिवार वाले ही समझ सकते हैं। जिनका परिवार नहीं है वो क्या गर्भवती मां का दुख समझेंगे, क्या उन मजदूरों का दुख समझेंगे जो अपनी सब गृहस्थी लेकर के, सब सामान लेकर के अपने सरों पर जैसे तैसे अपने घर पहुंचना चाहते थे। और ये सरकार वो है जो लाइन में लगाती है लोगों को। नोटबंदी याद कीजिए, लोग लाइन में लग गए। अभी जब महामारी आई उस समय लोगों को दवाई के लिए लाइन में लगना पड़ा, ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगना पड़ा, बिस्तर के लिए लाइन में लगना पड़ा। इस बार बुंदेलखंड की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है लाइन में लग करके इनके खिलाफ मतदान कर करके इनको शून्य करने का काम यहां से होगा। जनता ने मन बना लिया है, किसान ने, नौजवान ने, व्यापारी ने मन बना लिया, इनका सफाया होगा। और वो जो कहावत है ना कि खाली पेट ना होते भजन गोपाला, ये नौजवानों को बताओ नौकरी कब दोगे, रोजगार कब दोगे? सब जानते हैं ये तुष्टीकरण की राजनीति है। ये तुष्टीकरण नहीं, ये दूसरों पर आरोप लगाते थे तुष्टीकरण का, ये तुष्टीकरण नहीं, ये दुष्टीकरण है। ममता बनर्जी ने कहा है कि कांग्रेस में दम नहीं है, दूसरा मोर्चा तैयार करना पड़ेगा भाजपा से लड़ने के लिए, तो क्या आप उस मोर्चे में जाएंगे? कौन कह रहा है? ममता बनर्जी ने कहा है। मैं उनका स्वागत करता हूं, और जिस तरीके से उन्होंने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सफाया किया है, उत्तर प्रदेश में भी सफाया भारतीय जनता पार्टी का जनता करेगी। जब समय आएगा तब बात करेंगे। हर काम समय पे होना चाहिए।